बदले की आग में बारूद उगल रहे हिजबुल्ला ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्ला ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने इसराइल को शत विशत करने का एक प्लान बनाया है। प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्ला के इसराइल पर ताजा हमले की रिपोर्ट। नसरल्ला ने तैयार किया इसराइल पर अटैक का प्लान नंबर 36। हिजबुल्ला कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर। 50,000 लड़ाकों को इसराइल बॉर्डर पर जाने का कटा परवाना। नसरल्ला ने बेरूत के बीच चौराहे पर खाई इसराइल को नेस्तो नाबूद करने की कसम। लेबनान में धमाकों की गूंज से हिजबुल्ला हिल गया है। ऐसा हमला होगा दुश्मन दिखेगा भी नहीं और पूरे लेबनान में खौफ तांडव करेगा, हिजबुल्ला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब खून से देश सन रहा है तो हलचल मच गई है। हमास के सपोर्ट में रॉकेट बरसाते बरसाते लेबनान खुद ही युद्ध मोर्चे पर खड़ा है और साथ देने के लिए जो आने वाला है वो खुद ही लहूलुहान है, यानी ईरान। ईरान हिजबुल्ला के लिए क्या कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान की सीमा पर मारे गए इसराइल के दो सैनिक। हिजबुल्ला ने कर दिया इसराइल के खिलाफ एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ फायर किया 100 रॉकेट। हिजबुल्ला जख्मी हुए मारे गए अपने लड़ाकों की मौत के बाद अब क्या करने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस आशंका में जी रही है कि क्या इसराइल लेबनान का युद्ध पक्का है। घोषित युद्ध के बहुत पहले हिजबुल्ला और इसराइल के बीच मिसाइल और रॉकेटों का हमला कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन इसराइल वाले साइबर अटैक के बाद लाउड एंड क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के प्लान में जो 3H यानी हुथी, हमास और हिजबुल्ला हैं, उनमें से हमास के बाद हिजबुल्ला का नंबर आ गया है। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने कहा कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला सदस्यों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी से किए गए हमले रेड लाइन को पार कर गए हैं। हिजबुल्ला जवाबी कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में 1,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ठीक उससे पहले इसराइल का घातक रिएक्शन आया। इसराइली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। सवाल वही कि नसरल्ला कैसे लेगा इसराइल से बदला, क्योंकि इसराइल कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और गपक लिया। हिजबुल्ला जैसे संगठनों से लड़ने के लिए इसराइल ने वर्षों से संसाधन जुटा रखे हैं, हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल लेबनान के बीच का शक्ति संतुलन क्या है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने धमकी दी है कि ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इसराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्ला के लड़ाके डरने वाले नहीं है, हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इसराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। इसराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी इलाका, इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इसराइल के टक्कर में नहीं है। 145 देशों में इसराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। कहीं कोई समानता नहीं है। हिजबुल्ला का तो अपने देश लेबनान पर ही पूरा आधिपत्य नहीं है, लिहाजा लड़ाई छिड़ी तो हिजबुल्ला के हिस्से में क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास जो है वो ईरान का दिया है और ईरान का हाल तो इसराइल ने ये करके छोड़ा है कि उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ईरान देखता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इसराइल हमले में क्यों हो रहा है कामयाब, सुनिए। मिलियन से मिलियन इसराइली मुसलमानों रो
نابود میکنه زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه برای اینکه ما با هم نیستیم تو ایران ہو یمن کے ہوتھی ہو ترکی ہو سیریا ہو مصر ہو یا جارڈن حزب اللہ کو اسرائیل کی مار سے بچانے کی طاقت اس وقت کسی میں نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے مورال گراؤنڈ بنا رکھا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے استتو کے لیے چنوتی ہے اور اس گراؤنڈ پر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے لبنان اسرائیل میں یدھ چھڑتا ہے یعنی اسرائیل ٹینک لے کر لبنان میں گھستا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کا آمنا سامنا ہو چکا ہے دو ہزار چار میں ہوئے سینکوں کی عدلہ بدلی میں اپنے دو ساتھیوں کو نہیں چھوڑنے کے بعد 2006 میں حزب اللہ نے دو اسرائیلی سینکوں کو اٹھا لیا اور اس سے بدلے میں اپنے تین ساتھیوں کو رہا کرنے کی مانگ کی اس مانگ کو اسرائیل نے اپنی بے عزتی مانا اس کے بعد اسرائیل نے لبنان میں ہوائی حملے کیے اور لبنان کے خلاف یدھ چھیڑ دیا اس کے بعد حزب اللہ نے اسرائیلی سینکوں علاقوں کو اپنی میزائلوں سے نشانہ بنایا جنہیں اسرائیلی ڈیفینس سسٹم ڈیٹیکٹ کرنے میں اسمرتھ تھا اس یدھ کے دوران اسرائیل اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی سفلتا حاصل نہیں کر سکا دنیا کی سب سے مضبوط ٹینک کہی جانے والی ٹینک کو بھی حزب اللہ نے نشٹ کر دیا اور تین ہیلی کاپٹروں 20 ٹینکوں اور ایک لڑاکو پوت کو نشٹ کر دیا اس یدھ میں اسرائیل کو حزب اللہ نے اپنی سینیہ شمتا کا بہترین پردرشن کرتے ہوئے اسرائیل کو پہلی بار ہار کا سواد چکھایا تھا اس کے بعد سے ہی اسرائیل حزب اللہ کو ایران کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے سوال ہے کیا 2024 میں یدھ ہوا تو حزب اللہ اسرائیل کو سبق سکھانے کی صورت میں ہے اس سوال کا جواب آپ کو دونوں دیشوں کی طاقت کی تلنا سے صاف ہو جائے گا لبنان کے پاس ایکٹیو سینیہ سنکھیا ہے ماتر 80,000 اسرائیل کے پاس ہے 1,73,000 یعنی دو گنے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزرو فورس 4.65 لاکھ ہے جبکہ لبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس 80,000 جوانوں کی پیرا ملٹری فورس ہے جبکہ لبنان کے پاس صرف 25,000 جوانوں والی پیرا ملٹری فورس ہے اسرائیل کے پاس 601 ایئر کرافٹ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف 78 اسرائیل کے پاس 241 فائٹر ایئر کرافٹ ہیں جبکہ لبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 32 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ائر کرافٹ ہیں وہیں لبنان کے پاس صرف 9 ہیں اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ 86 ہیں جبکہ لبنان کے پاس ایک بھی نہیں اسرائیل کے پاس 126 ہیلی کاپٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف 60 اسرائیل کے پاس 2,200 ٹینکس ہیں لبنان کے پاس صرف 361 اسرائیل کے پاس 300 موبائل راکٹ پروجیکٹرز ہیں لبنان کے پاس صرف 30 نوسینہ میں جہازوں اور یدھ پوتوں کے معاملے میں لبنان اسرائیل سے آگے ہے اسرائیل کے پاس 67 جہاز ہیں جبکہ لبنان کے پاس اس سے 19 زیادہ یعنی 86 جنگی جہازوں کا بیڑا ہے اسرائیل کے پاس 56,290 آرمڈ ویکل ہیں لبنان کے پاس 9,864 بختر بند واہن ہیں اسرائیل کے پاس 48 ایئرپورٹس ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف 8 ہی ہیں اسرائیل کے پاس 5 بندرگاہ ہیں جبکہ لبنان کے پاس صرف 2 اتنی لمبی چوڑی سنکھیا بتانے کے پیچھے کا مقصد ہے کہ ایک دم کلیئر طور پر سمجھا جا سکے کہ کون کس پر بھاری ہے لیکن 2006 کے جنگ کے دوران بھی اسرائیل طاقت کے پردرشن میں لبنان پر بھاری تھا جب نتیجہ اسرائیل کے پکش میں نہیں نکلا اس وقت حزب اللہ مدھ پورب کی سب سے مضبوط اور پرشکشت سیناؤں میں سے ایک ہے اور اسرائیل چاروں اور سے شتروں سے گھیرا دیش ہے نتنیاہو کی دماغ میں یہ بھی صاف ہے کہ 2006 کے بعد حزب اللہ سے بدلہ پورا کرنے کا یہی وقت ہے لیکن اس بدلے کی چاہت میں دونوں اور سے ہونے والی موتوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ بتا پانا مشکل ہے لبنان میں 17-18 ستمبر کو پیجر اور واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے تھے ان میں 37 لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور 2,300 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تھے حزب اللہ نے ان حملوں کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے
हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की है। रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स के जंगलों में भीषण आग लग गई है। गोलान हाइट्स पर इसराइल का आर्मी बेस है, वहीं हमास चीफ याहा सिनवार ने युद्ध रोकने के नया ऑफर दिया है। देखिए, इसराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्ला को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से तहलाने वाले इसराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इसराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इसराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी याह्या सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर वन, इसराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इसराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर याह्या सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी। इसराइल मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि याह्या सिनवार ने इसराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इजरायल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन की लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने याह्या सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इसराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी जकार नेह के साथ सात लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने जकार नेह पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है।